जैन, इस वीडियो में हम सीखेंगे शेयरिंग मशीन का कंट्रोल वायरिंग कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखिए शेयरिंग मशीन जो ब्लेड कटर सिस्टम का उसका ये पैनल है। सबसे पहले देखिए ये ऑफ का है, ठीक है, और ये ऑन का है। इससे ऑन होगा, इससे ऑफ होगा, यानी मोटर को जो स्टार्ट डलता है स्टार्टर के जो ऑन ऑफ होता है इससे होगा। ये है सेलेक्टर स्विच, ठीक है, ये इमरजेंसी जिसमें इसमें न्यूट्रल सप्लाई रहेगा, ये इमरजेंसी है, देखिए ये इमरजेंसी है। और ये है रिवर्स का, और ये है फॉरवर्ड का, और ये ऑटो का रहेगा, ये है ऑटो का है। तो आइए इसका वायरिंग कैसे किया जाता है समझते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए, देखिए इसका वायरिंग किस प्रकार किया गया है। सबसे पहले देखिए इसका वायरिंग, देखिए सबसे पहले देखिए ये ब्लैक वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, ये जो ब्लैक कलर दिख रहा है ये ब्लैक न्यूट्रल है। ये देखिए ये ब्लैक कलर जो है ये न्यूट्रल सप्लाई है। इमरजेंसी में न्यूट्रल आएगा, यहाँ से और यहाँ से निकलेगा, ये न्यूट्रल सप्लाई हो गया। फेस सप्लाई देखिए, सबसे पहले इनपुट यहाँ आएगा, फेस सप्लाई यहाँ आएगा और यहाँ से निकलेगा, देखिए यहाँ आया और यहाँ से निकल के ये इंडिकेटर है, देखिए ये दो इंडिकेटर है, ये फेस सप्लाई चला गया, यहाँ से होल्डिंग जाएगा, यानी ये सप्लाई यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ या यहाँ से कहीं से होल्डिंग ले लेंगे और ये सप्लाई चला जाएगा यहाँ से मोटर में। उसके बाद यहीं से एक लूप करके सप्लाई आया है, देखिए यहाँ से लूप करके आया है सेलेक्टर स्विच में, देखिए ये सेलेक्टर स्विच में आया है और सेलेक्टर स्विच से देखिए ये जो सप्लाई आया है, देखिए ये और ये है मैनुअल का, ये मैनुअल में देखिए यहाँ से लूप हो गया, देखिए ये लूप वायर है, देखिए लूपिंग वायर है, यहाँ से यहाँ लूप वायर हो गया, देखिए ये सप्लाई यहाँ से आया है यहाँ और यहाँ से ये इसमें चला गया और यहाँ से जो ले जाएगा एक रिवर्स, एक यहाँ से फॉरवर्ड जाएगा। और ये ऑटो का देखिए, ये जो दूसरा वायर है ये ऑटो का वायर है, ऑटो का यहाँ यहाँ से जो आउटपुट जाएगा ऑटो का जाएगा, देखिए और ऑटो का वायर यहाँ से लेकर ना, ये देखिए ये फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का यहाँ पे होल्डिंग हो गया है, इसका डायग्राम हम दे देंगे, देखिए यहाँ पे होल्डिंग हो गया है। और यहाँ से एक और सप्लाई निकलेगा, ये जो निकलेगा यहाँ से लिमिट में जाएगा, यहाँ से ऑटो जो निकलेगा लिमिट में जाएगा और यहाँ से जो निकलेगा वो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में जाएगा और यहाँ से जो निकलेगा वो रिवर्स कॉन्टेक्टर में जाएगा। ये रिवर्स का है, ये फॉरवर्ड का है, ये ऑटो का है, ये सेलेक्टर स्विच है, ये इमरजेंसी स्विच है। इससे इसको ऑफ करने से पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। ये इमरजेंसी, यहाँ न्यूट्रल दिया गया है, ये इमरजेंसी स्विच है, ये स्टॉप के लिए है, ये मोटर को स्टॉप करेगा, ये मोटर को स्टार्ट करेगा, ये सेलेक्टर स्विच है जिससे ऑटो मैनुअल काम करेगा, ऑटो जब काम करेगा ये ऑटो का है, ये रिवर्स का है, एक फॉरवर्ड का एक रिवर्स का, ये जो देख रहे हैं ये स्पेयर में है, अगर कोई एक खराब हो गया यहाँ पे लगा सकते, इसमें एक स्पेयर में दिया हुआ है, देखिए देख लीजिए यहाँ से स्टार्ट स्टॉप ऑटो रिवर्स फॉरवर्ड इमरजेंसी स्विच, ये है सेलेक्टर स्विच, ये इस पोजीशन में ये जो देख रहे हैं ये आपका हो गया, ये दो काम करेगा, अगर इस पोजीशन में कर रहे हैं तो ये काम करेगा, ये ऑटो है। इसके बाद यहाँ से जो वायर आएगा यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे वायर कनेक्ट हो जाएगा,